स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल मूव टुवर्ड द ग्लोसरी। फर्स्ट वर्ड इज़ एसोसिएशन, विच मीन्स ताल्लुक या मंसूब होना। फीलिंग दैट इज़ कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर इवेंट, वो फीलिंग्स जो आपकी किसी खास इवेंट के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड वर्ड इज सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन होती है तकरीब या जश्न, पार्टी और स्पेशल इवेंट एट विच यू सेलिब्रेट समथिंग। कस्टमरी मीन्स रवाज, यानी जो काम आप मामूली या कैजुअली करते हो, रवाजन करते हो, यूजुअल फॉर सम बॉडी। नेक्स्ट है जी गैदरिंग्स। गैदरिंग्स इज्तमा होते हैं या अकट होते हैं। ब्रिंगिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल ऑफ अ फैमिली, ठीक है, ब्रिंगिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। नेक्स्ट बेटे वर्ड है हमारे पास ल्यूनर, विच मीन्स कमरी, रिलेटिंग टू द मून। पार्टेक मीन्स शिरकत करना, टेक पार्ट और शेयरिंग, यू कैन डू टेक पार्ट। देन द वर्ड रेसिपियंट, वसूल करने वाला, रिसीवर। रीइनविगोरेट मीन्स तवाना या अपने आप को दोबारा से ताकत देना, स्ट्रेंथन या रीस्ट्रेंथन, ठीक है। सिंबलाइज मीन होता है इलामत, टू रिप्रेजेंट समथिंग बाय मीन्स ऑफ अ सिंबल। नेक्स्ट वर्ड इज एंड द लास्ट वर्ड ट्रेड्स, खसूसियात, आदात, करेक्टरिस्टिक्स। लेट्स मूव टुवर्ड द वोकैबुलरी। गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज इन द लेसन। स्टूडेंट्स, इनके मीनिंग्स तो हम ऑलरेडी लेसन में पढ़ चुके हैं, लेट्स हैव अ लुक एंड डिस्कस इट। गैदरिंग्स, गैदरिंग्स होती हैं इज्तमा या इकट्ठ। कस्टमरी होता है रवाजन या रवाज, मामूल। थोरली होता है कम्प्लीटली, मुकम्मल। नेक्स्ट है जी कॉमन प्लेस, आमतौर पर या मामूल के मुताबिक, मामूली। पार्टेक, शिरकत करना या हिस्सा लेना। ट्रेड्स, खसूसियात। रीइनविगोरेट मीन्स तवाना या ताकत, ताज़ा दम करना। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आर नेक्स्ट एक्टिविटी। फ्रॉम नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड सॉरी फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड यूज द नाउन्स इन सेंटेंसेस। वी शैल ओनली चेंज द वर्ड्स इनटू नाउन एंड वी शैल नेवर यूज देम इन सेंटेंसेस, बिकॉज हमें पेपर्स में सेंटेंस तो आने नहीं है। लेट्स मूव गैदर, आप देख सकते हैं आई हैव रिटन द नाउन गैदरिंग। सिम्बोलिक, सिम्बल। प्रॉस्पर, प्रॉस्पेरिटी। डेकोरेट, डेकोरेशन। इनकरेज, इनकरेजमेंट। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन टू उर्दू, वी हैव डन इट इन टू द ट्रांसलेशन इन आर फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर्स ऑफ द इन आर लेक्चर्स ऑफ ट्रांसलेशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चाइनीज न्यू ईयर फॉल्स समवेयर। द सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिटवीन जनवरी 21st एंड फेबररी 20th। सेकेंड क्वेश्चन, पैराग्राफ वन गिव्स जनरल डिटेल्स ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थोरली क्लीन देयर हाउसेज एंड इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थोरली क्लीन देयर हाउसेज बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज सिम्बलाइज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लक एंड हैप्पीनेस। एनवलॉप्स आर नोट टू बी ओपन अनटिल द रेसिपियंट, द बी ऑप्शन इज करेक्ट, द रेसिपियंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, यू कैन लर्न द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स। यस, एज आई हैव प्रिपेयर नोट्स फॉर यू, दीज आर इंटरनल क्वेश्चंस एंड एक्सटर्नल एज वेल। You can see these questions and you can take notes from school and can easily understand and learn the questions as well. Let's move toward the grammar.